हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाला है। ये टॉपिक आज की हम वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो पहले तो अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, जिसमें मैंने बेसिक्स बता रखे हैं कि हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिस ऑफ चार्ज क्या होता है, अब हम उसके कंपटीशन सीख रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन में सबसे पहला पार्ट यही आता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि टोटल मुझे सालाना वैल्यू बताओ उस हाउस प्रॉपर्टी कितनी है। तो वो हम सीख रहे हैं। सबसे पहले आपको निकालनी पड़ती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? आपकी टोटल एनुअल वैल्यू, आप जैसे रेंट लेते हो हाउस प्रॉपर्टी का, मंथली लोगे आप, बट मंथली आपको कैलकुलेट नहीं करना, उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल एनुअल वैल्यू बतानी है मुझे। अब इस एनुअल वैल्यू को आपने कैसे कैलकुलेट करें? एक तो है कि आप जितना रेंट दे रहे हो, यानी कि एक्चुअल में आप कितना रेंट दे रहे हो, वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होनी चाहिए। बट गवर्नमेंट कह रही है ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि हमें नहीं पता कि जो आप एक्चुअल में मुझे रेंट दे रहे हो वो सही भी है या नहीं है, या वो जो आप रेंट उससे ले रहे हो वो क्या क्या पता क्या आप किस तरीके का चार्ज कर रहे हो। तो इसलिए हम गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम आपकी एक्चुअल रेंट जो आप ले रहे हो उसको कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट के साथ, मतलब एक्चुअल में जो आप रेंट दे रहे हो क्या वो सही है जितना होना चाहिए था उसके कंपेरिजन में। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है? एक्सपेक्टेड रेंट को सबसे पहले निकालेंगे और फिर उसको कहां से कंपेयर करेंगे? एक्चुअल रेंट के साथ। इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहा जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी उसी को हम कहा जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आप पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या है भाई साहब, ये एक्सपेक्टेड रेंट क्या है इसको समझना पड़ेगा पहले, तो तभी तो हमें एक्चुअल में हम निकाल सकते हैं ना कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी होगी। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, ये बहुत सिंपल है। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब कि एक्चुअल में जितनी वैल्यू आपकी होनी चाहिए थी हाउस प्रॉपर्टी की, अब वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपके म्यूनसिपैलिटी में जाके, जो म्यूनसिपल वैल्यू होती है आपकी हाउस प्रॉपर्टी की, वहाँ समझ में आ जाएगा। या फिर आपके जो आसपास प्रॉपर्टी के रेट देख लो कितने चल रहे हैं, जो आप चार्ज कर रहे हो वो ठीक भी है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? आप उसके आसपास के रेट पता कर लो, सिमिलर जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके जैसे, तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक और चीज़ होती है, स्टैंडर्ड रेंट देख सकते हो आप, मतलब जो रेंट प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें जो रेट लिखा गया है कि इससे ऊपर चार्ज नहीं करना ऐसी प्रॉपर्टी का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप उससे ज़्यादा चार्ज कर रहे हो या कम चार्ज कर रहे हो। तो एक्सपेक्टेड रेंट में हम तीन चीज़ें देखेंगे। पहला, म्यूनसिपल वैल्यू, क्योंकि आप एक्चुअल में म्यूनसिपल टैक्सेस भी दोगे म्यूनसिपैलिटी को, तो आप म्यूनसिपल वैल्यू भी आप देख सकते हो, क्योंकि उनकी उनको पता है कि हाउस प्रॉपर्टी की एक्चुअल में कितनी वैल्यू होती है ऐसी होगी, तो वो निकाल के दे देगी आपकी म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है। दूसरा होगा आपका फेयर रेंट, फेयर रेंट कि एक्चुअल में सिमिलर प्रॉपर्टीज का आप रेंट देख लो आपकी जैसी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आप रेंट उससे ज़्यादा चार्ज कर रहे हो कम चार्ज कर रहे हो। तो उसे क्या बोला जाएगा? फेयर रेंट, कि आप सही भी रेंट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। उसके बाद है स्टैंडर्ड रेंट कि जो फिक्स है वो कितना रेंट है। पहला है म्यूनसिपैलिटी का वैल्यू कितनी है हाउस प्रॉपर्टी की, दूसरा है कि फेयर रेंट कितना है जो होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी का, तीसरा है जो फिक्स है स्टैंडर्ड है रेंट कि इससे ज़्यादा चार्ज करना ही नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड रेंट क्या है? फिक्स भाई, म्यूनसिपल वैल्यू जितनी मर्जी हो, फेयर रेंट जितना मर्जी हो, ये स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर लिख दिया एक्ट में कि इस प्रॉपर्टी का रेंट इतना ही होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फेयर रेंट भी म्यूनसिपल वैल्यू भी, तो उन दोनों को में से फिर सिर्फ प्रेफरेंस स्टैंडर्ड रेंट को दी जाएगी। तो सबसे पहले क्या देखना है आपने? म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को, इन दोनों में से आपको देखना है कि कौन सी हायर वैल्यू है।
सबसे पहले क्या देखना है आपने, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को, इन दोनों में से कौन सी हाइयर वैल्यू है। सपोज करते हैं कि आपकी म्यूनिसिपल वैल्यू बैठ रही है, एनुअल वैल्यू 1 लाख की बैठ रही है, और फेयर रेंट बैठ रहा है आपका 1,20,000 रुपये का। अब स्टैंडर्ड रेंट हमने देखा वो है 90,000 रुपये का। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आप देखो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से कौन सी ज़्यादा वैल्यू है, गवर्नमेंट उसको प्रेफरेंस देगी। आपने कहा कि भाई म्यूनसिपल वैल्यू तो 1 लाख है, फेयर रेंट पता चला कि 1,20,000 रुपये है, इसका मतलब हम समझेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी का रेंट 1,20,000 रुपये होना चाहिए था, तो गवर्नमेंट किसको प्रेफरेंस देगी, 1,20,000 रुपये को। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्ट में लिखा गया है उससे ज़्यादा रेंट नहीं होना चाहिए, हो ही नहीं सकता उससे ज़्यादा रेंट। तो आपने जितना मर्जी आप प्रेफरेंस दे दो ज़्यादा वैल्यू को, लेकिन वो वैल्यू कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप उसको कहाँ कंपेयर करेंगे, अब स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट लेकिन 90,000 रुपये का है, तो 90,000 रुपये से ज़्यादा वैल्यू तो होनी चाहिए हाउस प्रॉपर्टी की, और आप कितने दे रहे थे, 1,20,000 रुपये। तो आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, 90,000 रुपये। तो आपका जो 90,000 रुपये होगा ये एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। कहने का मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों में से कौन सी हायर वैल्यू है वो देखना है, फिर आपने उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से, फिर आपने देखना है कि इन दोनों में से लोअर वैल्यू कौन सी है। हमने क्या देखा, 1,20,000 में से 90,000 में से कौन सी लोअर वैल्यू है। कभी कभार क्या होगा, स्टैंडर्ड रेंट भी ज़्यादा हो सकता है। सपोज करो ये स्टैंडर्ड रेंट हो गया 1,90,000 रुपये, मैं 90,000 लिखता हूँ, सपोज करो 1,90,000 रुपये हो गया, तो मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा, स्टैंडर्ड रेंट को दूंगा, नहीं, तब मैं 1,20,000 रुपये दूंगा, तब कम वैल्यू देखनी है मुझे। स्टैंडर्ड रेट तो एक जरिया है कि हमें देखना है कि हाँ भाई इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा थोड़ी है 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये 1,90,000 से ज़्यादा है, कम है, कम है ना, तो 1,20,000 को प्रेफरेंस देंगे फिर हम, 1,90,000 थोड़ी देंगे, क्यों हम बेफालतू ज़्यादा वैल्यू है, वो तो स्टैंडर्ड है कि 1,90,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं है भाई, तो हम 1,20,000 को देंगे। स्टैंडर्ड रेंट अगर कम है और फेयर रेंट या म्यूनसिपल वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो फिर हम स्टैंडर्ड रेंट को ही प्रेफरेंस देने वाले हैं, ये आपको समझना है। तो पहले क्या करना है, म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे ज़्यादा वैल्यू देखनी कौन सी है, फिर उसको कंपेयर करना स्टैंडर्ड रेंट से, आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, फिर आपने बस एक्चुअल रेंट से उसको कंपेयर करना है, इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी वो ही आपका आंसर होगा क्वेश्चन का। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने बात करी इसको कैसे आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन में करना है। तो ये क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है ये कैसे निकाली जाती है, साथ में मैं आपको एनुअल वैल्यू भी बता दूंगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता है एनुअल वैल्यू में, ठीक है। तो ये सबसे मेन स्टेप होता है, अगर आपने ये ढंग से समझ लिया तो आपका हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन समझ लो आधा सॉल्व हो गया। फिर आधा आपकी कुछ डिडक्शन होती है वो मेन होती है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अगली, लेकिन आज की वीडियो में अच्छे से आपने सीख लिया तो आपका आधी प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो जाएगी। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ 4 houses, ठीक है, विच आर ऑल लेट आउट एंड आर कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। मैंने गलती से रेंट प्रॉपर्टी एक्ट बोल दिया था, वो रेंट कंट्रोल एक्ट आएगा। रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, हर एक स्टेट का रेंट कंट्रोल एक्ट बना होता है कि रेंट कितना होना चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो यहाँ पर्टिकुलर दे रखा है आपको म्यूनसिपल वैल्यू, इनके 4 property है आपके मिस्टर एक्स की, तो म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी है, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, सब कुछ दे रखा है। तो चलिए निकालते हैं हम अपना, शुरू करते हैं कैसे करना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे सॉल्व, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, और इधर हम यहाँ पर एक्चुअल में एक्सपेक्टेड रेंट लिखेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट हमने कितना निकाला, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल रेंट, फिर हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट, और यहाँ पर हम चारों प्रॉपर्टी का अलग अलग कर देते हैं, चारों प्रॉपर्टी का निकालेंगे, ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर निकालने वाले हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो चलिए म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन तीनों में से आपको बस ये देखना है कि सबसे पहले देखना है म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, ठीक है, इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू कौन सी है। तो
तो ये आप यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, ऐसा नहीं करना है कि आपने सीधा मुंह उठा के लिख दिया है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। आप इसको वर्किंग नोट में डाल सकते हो कि कैसे मैंने निकाला है एक्सपेक्टेड रेंट। अभी मैं आपको सीधा डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा वैल्यू है? 36,000 रुपये। पहली प्रॉपर्टी की क्या देखा है? 36,000 रुपये ज़्यादा है, पर स्टैंडर्ड रेंट 30,000 रुपये। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि पहले आपको क्या देखना है, इन दोनों में ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, फिर देखिए स्टैंडर्ड रेंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वो। तो स्टैंडर्ड रेंट ही 30,000 रुपये है, तो 36,000 को प्रेफर नहीं दीजिएगी, किसको दीजिएगी? 30,000 को। तो इसका क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट? 30,000 रुपये। समझा गई बात? मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन दोनों में से पहले ज़्यादा वैल्यू देखनी है, फिर उसको कंपेयर करना स्टैंडर्ड रेंट से। ऐसे यहाँ पर आप देखो 26,28, ज़्यादा वैल्यू क्या है? 28, लेकिन स्टैंडर्ड है 35,000 रुपये। तो मैंने आपको क्या बताया था? अब 35,000 को प्रेफर नहीं दे दी जाएगी, अब छोटी वैल्यू को दी जाएगी। स्टैंडर्ड रेंट तो बस एक जरिया है देखने का कि स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर यह जरूरी नहीं है कि हर बार उसी को लेना है हमें। तो अब 28,000 को लेंगे, ना कि 35,000 को, क्योंकि 35,000 से कम है 28,000। तो म्यूनसिपल फेयर में से 28,000 ज़्यादा है, लेकिन 35,000 से कम है, टेंशन वाली बात नहीं है, तो हम 28,000 रुपये ले लेंगे। अगला देखते हैं, देखो 35 और 30, ज़्यादा वैल्यू कौन सी है म्यूनसिपल वैल्यू? 35,000 रुपये, दिख रहा है आपको? स्टैंडर्ड रेंट 36,000 रुपये। तो मैंने वो क्या बताया था? स्टैंडर्ड रेंट से अगर कम है तो हम कम वैल्यू को प्रेफरेंस देंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से ज़्यादा वैल्यू 35,000 रुपये है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट 36,000 रुपये है, तो कौन सी वैल्यू कम है? 35,000 रुपये। तो 35,000 रुपये इसका एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा, समझिए। फिर इसको अब देखो, अब 30,000 रुपये 36,000 रुपये, क्या ज़्यादा वैल्यू है इसमें से? सर 36,000 रुपये ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन स्टैंडर्ड कितना है? 40,000 रुपये। तो सर हम 36,000 को ज़्यादा वैल्यू देंगे ना, फिर 36,000 को प्रेफरेंस देंगे, कम वैल्यू 36,000 रुपये है, तो 36,000 रुपये क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। समझ आ गया अच्छे से बात? एक्चुअल रेंट अब कितना है वो तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो तो एक्चुअल में हम सीधा वैसे लिख देंगे। तो हमारा वही का वही दे रखा है, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये, 32,000 रुपये और 32,000 रुपये, बस सिंपल। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यहाँ क्या लिखेंगे? ये ब्रैकेट में उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि विच एवर इज हायर, दोनों में से जोन सभी हायर होगा, यानी कि वन और टू मतलब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो भी हायर होगा वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। तो 30 और 40 में से कौन सा हायर है? सर 30 और 40 में 40 हायर है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी बन गई? 40,000 रुपये। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। 28 और 30 में ज़्यादा कौन सा है? 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये वैल्यू बन गई इसकी। 35 और 32 में ज़्यादा कौन सा है? 35,000 इसकी वैल्यू बन गई। 36 और 32 क्या ज़्यादा है? सर 36,000 रुपये इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन गई। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, देखो कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। मैंने आपको जैसे बताया कि हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड रेंट को बस ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि इसी को लेना है। तो पहले म्यूनसिपल फेयर में से देखना है ज्यादा ज़्यादा कौन सी है, उसको कंपेयर करना स्टैंडर्ड रेंट से। अगर कम है अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा है वो म्यूनसिपल फेयर वैल्यू फेयर रेंट, तो हमें स्टैंडर्ड रेंट को ले लेना है, ये करना है। अब इसको आपको एक्सपेक्टेड रेंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है नीचे। आप इसको यहाँ पर नोट करके लिख सकते हो, या वर्किंग नोट में भी आप बढ़ा सकते हो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे मैंने कैलकुलेट किया, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। सो कभी कभार आपके सामने यहाँ पर लिख देगा, आप इसके रीज़न दो, तो रीज़न में यहाँ पर लिख देना है आपने, एक्सपेक्टेड रेंट इज कैलकुलेटेड बाय, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट किया आपने ये यहाँ पर लिख दो। सो यहाँ पर हमने लिखा म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट एंड विच एवर इज हायर, ठीक है, ये आपने लिख दिया म्यूनसिपल और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट नॉट हायर देन स्टैंडर्ड रेंट। ये है असली फंडा।
तो यहाँ से बंदा समझ जाएगा कि इसका मतलब म्यूनसिपल फेयर रेंट में ज़्यादा वैल्यू देखनी है मेन, बट अगर वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड रेंट ही आपकी एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। सो यही है कि इफ स्टैंडर्ड रेंट इज लेस देन म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, देन स्टैंडर्ड रेंट इज द एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, अब इसको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके हैं, आप सीधा उसको निकलवा के दिखवा भी सकते हो एक एक स्टेप, लेकिन आपको एक एक स्टेप बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने वो कैसे निकाला, कि पहली हाउस प्रॉपर्टी का मैंने कैसे निकाला एक्सपेक्टेड रेंट। नहीं नहीं नहीं, आपको बस ये बताना है क्वेश्चन में कि भाई एक्सपेक्टेड रेंट निकला कैसे है, वो मैंने आपको यहाँ पर सीधा बता दिया। देखो एक्सपेक्टेड रेंट हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बंदा समझ जाएगा, आपके पूरे नंबर मिलेंगे, कटिंग सकते नंबर। ठीक है, बाकी अलग अलग बुक में अगर आपको बुक है तो अलग अलग प्रेजेंटेशन दे रखी होगी, लेकिन जैसे मर्जी करो, घुमा फिरा के बात वही है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब मैं जो बात कर रहा था आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू से, एनुअल वैल्यू तो कैसे पूछा जाता है, ग्रोस का मतलब होता है टोटल, ये ग्रोस एनुअल वैल्यू है ना। एनुअल वैल्यू तो कैसे पूछा जाता है, कुछ माइनस करना पड़ेगा, ग्रोस में से माइनस करके आता है एनुअल वैल्यू। ग्रोस होता है टोटल, तो टोटल में से अगर कुछ वैल्यू माइनस कर दे, ग्रोस एनुअल वैल्यू में से अगर कुछ वैल्यू माइनस कर दे, वो हमारा आ जाएगा एनुअल वैल्यू। तो क्या माइनस करेंगे, देखो म्यूनसिपैलिटी के बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं। म्यूनसिपल वैल्यू जो निकालती है वो कैसे निकालती है, क्योंकि वो उनको हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है हाउस प्रॉपर्टी की, तो वो है म्यूनसिपल वैल्यू। तुमको टैक्स देना पड़ता है, सबसे पहले म्यूनसिपैलिटी को टैक्स देना पड़ता है, तो सबसे पहले उसको माइनस करेगा ना फिर। तो यहाँ पर लिखेंगे म्यूनसिपल टैक्सेस, जब सबसे पहले हमारे म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस हो जाते हैं। एक और चीज़ है वैसे जो कि यहाँ पर आपको ध्यान से माननी है, वो है अनरियलाइज्ड रेंट। म्यूनसिपल टैक्सेस तो है ही, साथ में है अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट यानी कि कोई रेंट कभी कभार क्या होता है, नहीं मिल रहा आपको ये रेंट, इसमें से कुछ ऐसा था जो आपने रेंट ऊपर लिखा हुआ है उसमें से कुछ ऐसा रेंट था जो अनरियलाइज्ड हो गया, नहीं मिलने वाला आपको, आपको मिलने ही नहीं वाला रेंट, तो उसको भी मुझे यहाँ पर माइनस करना होगा। तब यहाँ पर आपके सामने आता है एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू ऐसे आती है। इसके बाद भी कोई डिडक्शन होती है, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ कौन सी है, उसके बाद हम अगले वीडियोस में उसको एक एक करके कवर करेंगे। कौन सी डिडक्शन होती है, उसके पास होती है सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की। गवर्नमेंट कहते हैं कि जितने भी आपने एक्सपेंसेस करे हम उसके एक ही डिडक्शन लगा देंगे, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो भी आपने हाउस प्रॉपर्टी के एक्सपेंस करे है। ठीक है, फिर आपकी होती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो आपने लोन लिया हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, वो भी माइनस हो जाएगा आपका, टेंशन वाली कोई बात नहीं। फिर आपकी आती है नेट एनुअल वैल्यू, इसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर फिर आपका टैक्स लगेगा। ये था पूरा को पूरा सीन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमने सिर्फ यहाँ तक स्टेप समझा, इसके बाद आप समझ जाओगे म्यूनसिपल टैक्स आएगा तो आप माइनस कर दोगे, एनुअल वैल्यू आ जाएगी, साथ में अनरियलाइज्ड रेंट होगा तो माइनस कर दोगे आ जाएगी। मेन टॉपिक अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये अगला आपकी सबसे बड़ी है दिक्कत आएगी, जो कि इसके क्वेश्चन में सबसे बड़ी एक दिक्कत आपके सामने यहाँ पर सोल्व कर दी मैंने। अब दिक्कत कहाँ आएगी आपको, एक दिक्कत वो है इंटरेस्ट ऑफ वर्ड के ऊपर, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनको समझ नहीं आता है। थैंक यू सो मच।